बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आई एम प्रोफेसर आबिद उमर। मेटा फार्मास्यूटिक्स के जो है वो हमने दो टॉपिक कर लिए थे, टैबलेट कैप्सूल, और उसी के अगला जो टॉपिक है हमारा वो सीरप्स है। ये अब हमने जो है वो शुरू करना है। चलें इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो है वो सीरप की डेफिनेशन है बेटा, कि सीरप एक कंसनट्रेटेड एक्वस प्रिपरेशन ऑफ शुगर होती है। मतलब इससे क्या मुराद है? इसे मुराद ये है कि बेटे ये सिंपल शुगर की जो है ये एक प्रिपरेशन होती है, कि आप पानी के अंदर जो है वो चीनी को मिला लेते हो और उसका एक गाढ़ा सोल्यूशन बना लेते हो। सिंपल इसको जो है वो सिरप कहा जाता है। अब आप इस सिरप को और ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। कैसे बेहतर बनाएंगे? कि आप इसके अंदर कोई फ्लेवर डाल लें और जो है थेरापूटिक इफेक्ट को अचीव करने के लिए, मतलब किसी बीमारी के इलाज के लिए आप इसमें कोई मेडिसिनल एजेंट भी ऐड कर लेते हो, ठीक है ना? तो ये सिरप जो है वो फर्दर इम्प्रूव हो जाता है। चले आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो है बेटा, सिरप की बेसिकली तीन तरह की टाइप्स होती हैं। नंबर वन सिंपल सिरप होता है, इसी तरह फ्लेवर्ड सिरप होता है, इसी तरह मेडिकेटेड सिरप होता है। चले इसको भी देख लेते हैं हम। सबसे पहले सिंपल सिरप क्या होता है? सिंपल सिरप बेटा सिंपल शुगर की जो है ये एक प्रिपरेशन होती है। सक्रोज जो चीनी हमारे यहाँ यूज होती है, सिंपल आप क्या करते हो कि उसको पानी के अंदर मिक्स कर लेते हो और उसका एक गाढ़ा सोल्यूशन बना लेते हो। आप इसको सिंपल शुगर कहते हैं। ये जो शुगर है बेटा, ये जो सिंपल सिरप है ये भी इस्तेमाल होता है। बिल्कुल इसको जो है मुख्तलिफ मकासद के लिए जो है वो हम जो है वो इस्तेमाल करते हैं। वो क्या क्या इस्तेमाल होते हैं वो उसको हम देख लेते हैं। पहले तो हम देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश फार्माकोपिया, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ ना बीपी स्पेसिफिकेशन, अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश फार्माकोपिया एक सिंपल सोल्यूशन जो है, एक सिंपल सिरप जो है वो कैसे बनाया जाता है। उसको बनाने का बड़ा एक सिंपल सा मेथड होता है कि आप क्या करेंगे कि आप जो है वो बेटा वो 33.3 ग्राम जो है वो वाटर के ले लेंगे और इसमें 66.7% मीन 66.7 ग्राम जो है वो उसके अंदर शुगर को ऐड कर लेंगे। ऐड करने से ये बेटा जो है वो 100 ml का जो है वो एक जो है वो सॉल्यूशन बन जाएगा, ठीक है ना? ये 100 ml या 100 ग्राम आप इसको बोल लें, ब्रिटिश फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग जो है वो इस तरीके से आप एक सॉल्यूशन जो है वो बना सकते हैं। चलें आगे चलेंगे। शुगर इज मेनली यूज्ड, शुगर जो होते हैं ये सिंपल जो सिरप होता है ये किस मकसद के लिए इस्तेमाल होता है? ये जो फिनिश्ड प्रोडक्ट होते हैं, ऐसी प्रोडक्ट जो मुकम्मल बन चुकी होती हैं, उनको प्रिजर्व करने के, उनको महफूज रखने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि ये गाढ़ा कंसनट्रेटेड सोल्यूशन होता है, इसके अंदर बैक्टीरिया वगैरह जो है वो ग्रो नहीं कर सकते, वो ग्रो नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना? एड इन द मास्किंग ऑफ अनप्लीजेंट टेस्ट, जो गैर जो है बेटा जो बिटर टेस्ट होता है, क्योंकि ये जायके में स्वीट होता है ना, मीठा होता है, तो ये अनप्लीजेंट टेस्ट जो होता है, गैर जो मतलब ऐसा जायका जो नापसंदीदा होता है, ये इंग्रेडिएंट्स के उस जायके को जो है बेटा छुपाने के अंदर जो है वो इसका बड़ा अहम किरदार होता है। इनहांस द फ्लेवर, ये जायके में भी इजाफा करता है, मीठा होता है ना तो जायका और ज्यादा बेहतर हो जाता है, कि आप इसमें कोई टेस्ट अगर ऐड करेंगे तो वो जायका ज्यादा से ज्यादा जो है वो बेटर हो जाएगा। उसके बाद है बेटा फ्लेवर्ड सिरप। फ्लेवर्ड सिरप जैसे अभी मैं पहले भी बात कर रहा था कि आप इसमें कोई जो है वो फ्लेवर ऐड कर ले, तो जैसे डिस्प्रोल के सिरप में ये बनाना फ्लेवर जो है वो ऐड किया हुआ है। ये फ्लेवर ऐड करने का बेसिकली मकसद ये होता है, क्योंकि ये सिरप ज्यादातर बच्चों में इस्तेमाल करवाए जाते हैं, तो बच्चों में इस्तेमाल जायका ऐड कर देने से ये होता है कि बच्चा जो है वो बड़ी आसानी से सिरप जो है वो इस्तेमाल कर लेते हैं। इसमें मुख्तलिफ फ्लेवर्स में, ऑरेंज फ्लेवर में, सिनामन जो है फ्लेवर में, मुख्तलिफ फ्लेवर्स के अंदर जो है बेटा वो सिरप बनाए जाते हैं, इनको फ्लेवर्ड सिरप जो है वो कहा जाता है। इसी तरह मेडिकेटेड सिरप होते हैं, कि आप फ्लेवर डालने के साथ साथ, ठीक है ना, किसी थेरापूटिक इफेक्ट को अचीव करने के लिए, मतलब किसी बीमारी के इलाज के लिए आप उसमें कोई मेडिसिनल एजेंट भी जो है वो ऐड कर देते हो। जैसे ये कोमैक्सिक्लेव जो है वो, ये एगमेंटन वाला साल्ट है, ये कैलामॉक्स जो है ये सिरप बनाया जाता है, बड़ा मशहूर है, बच्चों के लिए इस्तेमाल करवाया जाता है। ये आप देख रहे हो कि ये ऑरेंज फ्लेवर के अंदर है और साथ साथ ये मेडिकेटेड भी है, कि इसके अंदर मेडिसिन भी जो है वो ऐड की गई है, ठीक है ना? तो ऐसे सिरप को आप मेडिकेटेड सिरप का जो है बेटा वो नाम देते हो। छोटा सा टॉपिक था, हमारा मुकम्मल हो गया। आपके जहन में अगर कोई सवाल हो तो बेटा जरूर पूछिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।